वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। प्रीति है हमारे साथ गुजरात से। प्रीति गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैडम। लेमन ट्री होटल्स खरीदा है 69.70 में, तो क्या करें? और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या है? हाँ, वो एक वन मंथ के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म व्यू है। अगेन लेमन ट्री होटल भी काफी चला है स्टॉक, आपने काफी ऊपर खरीद लिया एक महीने के पर्सपेक्टिव से, तो क्या सजेशन रहेगा शर्मिला जी? 64 पर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 70 रुपए की खरीदारी है। तो आई थिंक दिक्कत यही है जो आपने कहा कि थोड़े एंट्री प्राइस थोड़ा ऊपर है, और यू नो लेमन ट्री जैसा स्टॉक जहाँ पर नतीजे फ्रेंकली इतने अच्छे नहीं रहे पिछले यू नो ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 quarters से, और दिस इज अ स्टॉक दैट यू रियली नीड टू प्ले फॉर द फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह से उनके प्लान्स है कि उनको अपने रूम्स जो उनके अंडर है वो उनको बढ़ाने हैं, प्लस दे आर गोइंग फॉर एन एसेट लाइट मॉडल जहाँ पर वो ज्यादा मैनेजमेंट के डील्स में यू नो इन्वेस्ट, दे विल गो फॉर मैनेजमेंट डील्स रादर देन एक्चुअली टेकिंग हैविंग देयर ओन होटल्स। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स ना उसके लिए समय लगेगा फॉर दैट टू रियली रिजल्ट इन बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर स्टॉक प्राइस। तो मेरी राय में इनको थोड़ा अपना नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म बनाना पड़ेगा, अगर वो कर सकते तो मेरे हिसाब से वो इस स्टॉक में बने रह सकते। ठीक है, होल्ड कीजिए स्टॉक को, बने रहिए। जागृति है हमारे साथ, जागृति मेहरा सूरत से। गुड इवनिंग जागृति, बताइए आपके पास कौन सा शेयर है, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे पास भारत फोर्ज का है शेयर, और भारत फोर्ज के किस भाव पर लिए हुए आपने स्टॉक? 7 से बातचीत नहीं हो पा रही है शर्मिला, जो डिटेल्स इन्होंने बताई है उसके हिसाब से 747 की इनकी बाइंग है, 25 स्टॉक्स हैं, 721 पर बंद हुआ है, तो ऑलमोस्ट 25-26 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से। क्या सजेशन आपका? यस यू नो आई थिंक अगर एक थीम ये मार्केट को काफी पसंद है वो है डिफेंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिफेंस में जिस तरह से गवर्नमेंट का रुक रहा है और जिस तरह से ऑर्डर्स वगैरह की बात है, तो इन सबको देखकर मुझे लगता है कि उनको अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भारत फोर्ज में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ, और जागृति जी होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। रोहिल है हमारे साथ फरुखाबाद से। रोहिल नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास मैम HDFC बैंक के 10 शेयर हैं 1305 रुपए के हिसाब से, इसको मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, और अगर ये 1300 रुपए के आसपास मिले तो ऐड कर लूँ? ओके यहाँ ठीक है, पूछ लेते हैं। हालांकि शर्मिला अर्निंग्स के बाद से दो दिनों में ना काफी धुलाई हुई है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों की ही। 1405 की इनकी खरीदारी है, 1342 पर कर रहा है ट्रेड। अब सवाल इनका इम्पोर्टेंट है, लंबी अवधि के लिए तो रखेंगे लेकिन 1300 के आसपास मिले तो और ऐड करें क्या? यस आई थिंक बिल्कुल, यू नो वेरी ऑनेस्टली ये स्टॉक मुझे काफी पसंद है। आई थिंक यू नो दिस इज अ टाइम टू बी लिटिल कॉन्ट्रेरियन इन दिस स्टॉक। जब उन्होंने इतना अच्छा एक मर्जर अनाउंस किया है विच विल रियली टेक ये बैंक को एक नए लेवल पे जाके रखेगा, ऐसे समय पे देर कुड बी यू नो सम टेक्निकल रीजंस जिस वजह से सेल ऑफ आ रहा है।